नमस्कार दोस्तों, IAS विद हरिमोहन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों की सेवा के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी तैयारी का एक बेसिक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। मतलब आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है हिस्ट्री के अंदर बेसिक टॉपिक्स को कंप्लीट करवाना, एक फ्लो चार्ट बनाना। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि सर आपके फ्लो चार्ट्स, एक फ्लो चार्ट बनाना। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि सर आपके जो फ्लो चार्ट्स हैं वो उनको बहुत आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको उन फ्लो चार्ट्स को का एक पूरी सीरीज डालने जा रहा हूं, जिससे आपको हिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि दावा मेरा यही रहता है कि हिस्ट्री के अंदर बच्चों को तीन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं वो है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम हिस्ट्री में फेस करते हैं, जो बच्चे बार बार कहते हैं कि सर नाम याद नहीं हो रहे, दूसरा डेट याद नहीं हो रही और तीसरा इवेंट्स याद नहीं हो रहे, यानी घटनाएं याद नहीं हो रही। तो दोस्तों, जब आप हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आगे जब आप हमसे मिलेंगे, तो आपको यही सब तीनों की तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो मेरा यही दावा है कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ेंगे उतना अच्छा है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री क्या है और कहाँ से शुरू होती है और कैसे। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो आधुनिक भारत है, अगर आप इसको उठाकर देखें तो जो आधुनिक भारत है इसकी सबसे पहली शुरुआत लोग मानते हैं कि 1757 से होती है। तो इतना समझ लीजिए, हिस्ट्री के अंदर इतिहास में जो युग है वो परिवर्तित होता है और युग परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। द एज चेंज नेवर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल डे, इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। अगर ये निरंतर प्रक्रिया है तो हम फिर भी एक पर्टिकुलर डेट को ही इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? तो दोस्तों समझ लीजिए, एक जो तारीख होती है ना, उस तारीख की खास बात यह होती है कि वो आपको बाकी चीजों को याद करने में मदद करती है। इससे ज्यादा उस तारीख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो सबसे पहले तारीख 3 मार्च 1707, मेरा मानना यह है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, जहां से हमें युग परिवर्तन यानी एज चेंज के सिंबल्स या सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो उस टाइम तक डोमिनेट कर रहा था वो गिरने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और उसकी जगह नई व्यवस्थाएं यानी नए सिस्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और वहीं से एज चेंज दिखाई देने लग जाती है। इसमें 3 मार्च 1707 को अगर आप लोग देखते हैं तो यहां 3 मार्च 1707 की सबसे पहली जो खास बात है वो ये है कि इस तारीख को औरंगजेब डाइड, इस दिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सबसे पहली खास बात निकलती है कि यहां से लास्ट माइटी रूलर ऑफ मुगल्स,
एंड ऑफ इंडिया ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो हु रूल्ड मेजर इंडियन कॉन्टिनेंट, मेजर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट। ये अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने, अंतिम शक्तिशाली मुगल था, और भारत का भी ये अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। अब औरंगजेब के मरने के बाद ये जो लाइन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक वो पार्ट जो अभी भी दिल्ली पर मुगल्स अपना कब्जा बनाए रहते हैं, दिल्ली पर मुगल्स अपना कब्जा बनाए रहते हैं, लेकिन मुगल्स अपना कब्जा तो बनाए रहते हैं लेकिन खास बात यह है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनके पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं होती, इसीलिए इन्हें लेटर मुगल्स यानी उत्तर मुगल कहा जाता है। इसीलिए इन्हें लेटर मुगल्स या फिर उत्तर मुगल कहा जाता है। ये लोग ताकतवर नहीं थे, कमजोर थे, और क्योंकि ये लोग कमजोर थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो फिर भी मुगलों का एक रुतबा इतना बड़ा था कि किसी ने इन्हें हटाने की कोई ज्यादा सी कोशिश नहीं की। बाकी ये निकम्मे नकारा नालायकों की पूरी एक फौज थी जो इस लायक थे ही नहीं कि बदलती हुई परिस्थितियों यानी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें यानी बदल लें। और जब, याद रखिएगा, जब एक पावर का डिक्लाइन होता है, जब एक शक्ति कमजोर होती है, तो पैरेलली उसी के साथ में दूसरी शक्तियां ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। यहां पर भी यही था, और 1757 वॉज द ईयर। यहां आप देखेंगे कि ये डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी मुगलों का तो इसमें पतन हो गया था, और राइज ऑफ मराठास एंड अदर रीजनल पावर्स। यहां पर मराठों का और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया था। जब आप देख रहे हैं तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, तो यहां आपको पता लगेगा कि जो अदर रीजनल पावर्स थी उनमें आपको पंजाब, मराठा तो थे ही, मैसूर, बंगाल, अवध, रुहेलखंड, राजपुताना, बरेली के आसपास का इलाका रुहेलखंड, राजपुताना, और भी दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो डेवलप करना शुरू कर गए थे। अगर आप बेसिक फॉर्म में देखें तो दिस इज इंडिया। अगर ये इंडिया है तो श्रीनगर से लेकर मदुरई के आसपास तक, और इधर चिटगांव पोर्ट से लेकर इधर काबुल तक, पूरे का पूरा ये जो था ये मुगल में औरंगजेब का शासक यानी एम्पायर था। काबुल को तो नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। यहां पर पंजाब इकट्ठा हो गया, ये राजपूताना अलग हो गया, सिंध का अपना अलग पार्ट है, पार्ट पंजाब का तो काफी बड़ा पार्ट बाद में बना। यहां ये बंगाल वाला हिस्सा अलग, इधर ये अवध, इधर रोहेलखंड, और इधर की तरफ आप देखेंगे मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठास। यानी जो एक बड़ा इंडिया था
वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो गया। जब ये बड़ा इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो गया तो यहीं आपको नजर आता है कि यहां जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्हें पूरा बड़ा हिस्सा नहीं दिखाई दिया। मतलब जब अंग्रेज 1608 में आए तो पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब के रूल, जहांगीर के रूल में था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ को दबाए रखा, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, यह पूरा हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक तरफ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, स्मॉल रीजनल पावर्स यानी छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां जो थी उनका उदय होना शुरू हुआ। तो यहां आप देखेंगे ये पीरियड था 1757 का। इस 1757 वाले पीरियड की खास बात यह थी कि यहां बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। अब आप यह कहेंगे प्लासी की लड़ाई क्या थी, तो प्लासी की लड़ाई की इंपॉर्टेंस यह है कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया के अंदर एक रूलर को हराया और एक ऐसे स्टेट के रूलर को हराया जो काफी ताकतवर था, और ब्रिटिशर्स किल्ड द नवाब ऑफ दिस स्टेट। ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल एंड किल्ड नवाब ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली और बंगाल के नवाब को मार डाला। अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली लेकिन बंगाल के नवाब को साथ में मार भी डाला। यह एक ऐसा टाइम पीरियड था कि इसके बाद ऐसा लगा जैसे ब्रिटिशर्स को खून मुंह लग गया और एक के बाद एक जो है ब्रिटिशर्स ने लड़ाई शुरू की। और ये जो फेज यहां डिक्लाइन ऑफ मुगल और राइज ऑफ रीजनल पावर्स मराठास यानी मुगलों का पतन और मराठों का उदय दिखाई दे रहा है, यहां आपको पता लगेगा कि यहां राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर्स देखने को मिलेगा। यानी अंग्रेजों का तो उदय होता चला गया और क्षेत्रीय शक्तियां जो रीजनल पावर्स थी उनका डाउनफॉल यानी उनका पतन होता चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। अगर आप इन लड़ाइयों की तरफ नजर डालें तो लिस्ट पूरी निकल कर आएगी और वही लिस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे एंग्लो बंगाल वॉर्स हुए यानी बैटल ऑफ बक्सर, इसी टाइम पर अवध के साथ भी एक वॉर हुआ था, बाद में अवध दोस्त बन गया। फिर आप देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और एंग्लो मैसूर वॉर के बाद फिर एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चार मेजर पावर्स, बाद में फिर हैदराबाद भी था, फिर एक कर्नाटक भी था
और बाद में राजपुताना भी था। ब्रिटिशर्स ने एक एक करके मेजर टेरिटोरियल इंडिया की मेजर टेरिटोरियल इंडिया के बड़े हिस्से पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश किया और हमारी मेजर पावर्स को हरा दिया। यहां अगर आप देखते हैं तो 1803 में अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली यानी अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो ये दिल्ली उस समय आज भी राजधानी है, उस टाइम भी राजधानी थी, बेशक कमजोर मुगल रहते थे लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ही सही, सिंबॉलिकली ही, नो मैटर इट वॉज सिंबॉलिकली, बट ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली। व्हेन ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली तो ये एक सिंबल था कि हां ब्रिटिशर्स ने अब पूरे हिंदुस्तान को के सारी मेजर पावर्स को हरा दिया है एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध हेयर। आफ्टर 1803 द ईयर वॉज 1857 और इस 1857 में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था दैट वॉज रिवोल्ट, वो एक रिवोल्ट हुआ था। लेकिन कहानी उससे पहले भी है, रिवोल्ट ने तो सब कुछ बदलकर रख दिया था। 1803 से 1807 का जो पीरियड था इसे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के नाम से यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता का मतलब यह है कि नो पावर इन इंडिया वॉज प्रेजेंट, नो पावर इन इंडिया वॉज प्रेजेंट हु कुड चैलेंज ब्रिटिशर्स इन एनी वे, एटलीस्ट अ पॉलिटिकल पावर। यानी भारत में ऐसी कोई भी राजनीतिक शक्ति मौजूद नहीं थी जो ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से चैलेंज कर सके, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने चैलेंज नहीं किया, भैया हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कोई ना कोई तो लठ उठाए खड़ा ही रहता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि यहां पर रिवोल्ट शुरू हो गए। इन रिवोल्ट्स यानी इन विद्रोहों में सबसे पहले पीजेंट रिवोल्ट्स यानी किसान विद्रोह, दूसरा ट्राइबल रिवोल्ट्स और तीसरा जो था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ट्राइबल रिवोल्ट्स के बाद, वो था म्यूटिनी यानी सैनिक विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और सैनिक विद्रोह। जब इन सबको आप देखेंगे तो अंग्रेजों को शांत नहीं बैठने दिया और अंग्रेजों ने लगातार इन विद्रोहों को दबाने की कोशिश की। जब हम मेंस वगैरह में पढ़ते हैं, जब आप हमारे वीडियोस वगैरह देखेंगे तो पता लगेगा कि ये जो रिवोल्ट थे बड़े खतरनाक थे। ऐसा लगता था कि अंग्रेज वहां से बिल्कुल खत्म हो गए हैं,
और इन सबका एक कल्मिनेशन था, और इन 50 साल के लगभग जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे उन अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा हुआ, और वो रिवोल्ट था 1857 रिवोल्ट, 1857 का महाविद्रोह। तो दोस्तों ये जो टाइम था 1707 से 1757 का, इसमें आप जब आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे राजा महाराजा कमजोर होते चले गए। वो ताकतवर इसलिए थे क्योंकि उनको वो आपस में लड़ रहे थे और उनमें जो ताकत थी, लेकिन वो कमजोर हुए तो उन्हें पता नहीं लगा क्योंकि वो बाहर वालों से उलझे नहीं। जब उलझने लगे तो बाहर वालों से मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब उसके बाद 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है, 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में को कहा गया इस 100 साल में, बिल्कुल सिंपल सा जवाब, हम गुलाम कैसे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, यानी हमारे अंदर ऐसी क्या इनहेरिटेड कमियां थी, हमारे अंदर ऐसी क्या इनहेरिटेड कमियां थी जिनकी वजह से हम गुलाम हुए, तो यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम गुलाम हो गए। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों अभी ये एक पार्ट है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट थोड़ा समझने में भी आसानी होती है, पढ़ने में भी आसानी होती है। तो एक मैंने पार्ट बनाया है कि हम गुलाम क्यों हुए। इसका अगला ही एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि हम आजाद कैसे हो गए, और तीसरा कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो उस आधुनिक भारत में क्या क्या सिलेबस कैसे कैसे पढ़ना है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मेरे 3 वीडियोस मॉडर्न से रिलेटेड आएंगे, उसके बाद हम एंशिएंट मिडिवियल पर पहुंचेंगे, और हम ये सीरीज जो है ये मैप्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, और सभी तरीके से जहां जहां पॉसिबल होगा हम ये चीजें समझेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भाई साहब ये कहते हैं बताओ करो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी में हर तरीके से आपके साथ, नॉट ओनली यूपीएससी, हम हर सब्जेक्ट में जो जो आपका वन डे एग्जाम है सब में आपके साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।